इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एयर इंडिया द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुकाने पर देश के 6 हवाई अड्डों पर एयर इंडिया के लिए तेल की आपूर्ति रोक दी। एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कंपनी लगभग 8 महीने से यह राशि नहीं चुका पाई है। हालांकि उन्होंने बताया कि एयरलाइन के विमानों का संचालन सामान्य है और अभी उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। राष्ट्रीय विमान कंपनी के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने दोपहर करीब 4 बजे से कोचीन, विशाखापट्टनम, मोहाली, रांची, पुणे और पटना हवाई अड्डों पर ईंधन की आपूर्ति रोक दी है। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, इक्विटी सपोर्ट के बिना एयर इंडिया अपना बड़ा कर्ज अदा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, बहरहाल इस वित्त वर्ष में हमारा वित्तीय प्रदर्शन काफी अच्छा है और हम अच्छे मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं। एयरलाइन अपनी देनदारियों के मुद्दों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तीनों तेल कंपनियों की ओर से इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा, कोच्चि, मोहाली, पुणे, रांची, पटना और विशाखापट्टनम हवाई अड्डों पर एयर इंडिया की ईंधन आपूर्ति रोकने का संयुक्त निर्णय किया गया है। कंपनियों ने यह निर्णय एयर इंडिया पर लंबे समय से बकाया 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने पर लिया है। इस राशि में बकाया और उस पर ब्याज शामिल है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, एयर इंडिया के पास ईंधन बिल का भुगतान करने के लिए 90 दिन की अवधि होती है। अतः वह जिस दिन ईंधन खरीदता है उसके 90 दिन के भीतर उसे उसका भुगतान करना होता है। लेकिन एयर इंडिया की यह अवधि पिछले 2 साल से करीब 230 दिन को पार कर चुकी है। तीनों कंपनियों ने 14 अगस्त की तारीख वाले पत्र के माध्यम से एयर इंडिया के प्रबंधक को बता दिया था कि यदि वह बकाए का भुगतान नहीं करती है तो 22 अगस्त से उसकी ईंधन आपूर्ति रोकने का निर्णय किया गया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता धनंजय कुमार ने कहा, पर्याप्त धनराशि नहीं होने की वजह से एयर इंडिया कर्ज चुकाने में असमर्थ है। उन्होंने बताया कि एयरलाइन के विमानों का संचालन सामान्य है और अभी उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। गौरतलब है कि इससे पहले 15 जुलाई को तेल कंपनियों ने देश के 6 हवाई अड्डों पर तेल आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी थी, लेकिन विमान मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद स्थिति ठीक हो गई थी। MNTV ब्यूरो। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।